नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा जिला अध्यक्ष वर्तमान महामंत्री हुए मीडिया से रूबरू और न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से राहुल शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री नागेंद्र सिकंदवार जी, महामंत्री ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी। नागेंद्र सिकंदवार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप आगामी त्योहारों को लेकर, जो अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे अपने ब्रजवासियों के लिए? बस इस देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए यह त्यौहार बहुत शुभ हो, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा रक्षाबंधन सुंदर और शांति के साथ गया, ऐसे ही जन्माष्टमी भी सबके जीवन में और सुख लाए और समृद्धि लाए, ऐसी कामना के साथ आप सबको धन्यवाद। जैसे कि आप ही की सरकार चल रही है और आप सरकार सत्ता में सरकार है, आप ही की सरकार की, जब से आपकी सरकार आई है, जब से एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, जैसे आपकी सरकार नहीं थी उससे पहले आपने देखा होगा, आपकी सरकार आने के बाद इसी जन्माष्टमी को जन्माष्टमी की तरह मनाया जाता है। पूरे क्षेत्र में लाइटिंग होती है, आपके मुख्यमंत्री भी आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मुख्यमंत्री या फिर आने का भी कार्यक्रम है। बरसाने में हमने रोपवे खड़ा किया है, रोपवे बनाया है, ताकि जो लोग दर्शनार्थी मंदिर पर ऊपर चढ़ नहीं पाते थे सीधे रोपवे के द्वारा जाएंगे, तो उसका भी उद्घाटन करने आने वाले हैं योगी जी, को उस दिन आने वाले। दूसरी बात, आज़ादी के बाद इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, मुसलमान नाराज़ न हो जाए इसलिए मंदिर नहीं जाना, मंदिरों का विकास नहीं करना, धर्म का कोई काम नहीं करना, संस्कृति जो भारतीय मूल संस्कृति है उसका काम नहीं करना, इसलिए तुष्टिकरण के लिए इस प्रकार की राजनीति 70 साल से चल रही थी, जिसमें सारे विपक्षी दल भाजपा को छोड़ करके लिप्त थे और वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, वोट बैंक के हिसाब से सारा काम करते थे, मजार पर चादर चढ़ाने जाते थे, अजमेर शरीफ जाते थे, लेकिन जन्मभूमि पर जाने में उनको शर्म आती थी। अब ये जो राष्ट्रवादी सरकार है, ये भारत माता को माता मानती है, जो हमारी संस्कृति को अपनी मूल संस्कृति मानती है, अपने धर्म को मूल धर्म मानती है, सनातनी सरकार है, सनातनी सरकार मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करेगी, कॉरिडोर भी बनाएगी और उनकी सुंदर व्यवस्था भी करेगी। आज पूरा बहुसंख्यक समाज और सारा देश उस त्योहारों को आनंद के साथ मना रहा है और एक विशेष प्रकार का उल्लोक, सरकार जब उसमें सहभागिता करती है तो त्यौहार और सुंदर और व्यवस्थित और अच्छा लगता है। वही सरकार, भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, ताकि धर्मावलंबी, जब लाखों करोड़ों धर्मावलंबी जब अपने धर्म की आस्था रखते हुए किसी मंदिर पर, किसी त्यौहार पर, जन्माष्टमी पर आते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के जाएँ कि सरकार ने भी हमारा सहयोग किया। आप सब देख रहे थे न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। हमारे साथ जुड़े थे नागेंद्र सिकंदवार जी, ठाकुर नागेंद्र सिकंदवार जी। ये वही नागेंद्र सिकंदवार हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, नागेंद्र सिकंदवार जी की उपस्थिति हर समय उपस्थित रहती है। राहुल शर्मा के साथ लाइव टेलीकास्ट मथुरा। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।